हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज जो हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। दे आर द सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। दे ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। इट मीन्स जब काफी सारी सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स एक दूसरे के साथ ग्रुप्ड होके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, तो दे आर कॉल्ड एज द टिश्यूज। एंड द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी। इट मींस टिश्यूज के अंदर जो है सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, जो सिमिलर, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। गॉट इट? नाउ जब काफी सारी सेल्स जो है एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो दे फॉर्म द टिश्यूज। एंड जब काफी सारे टिश्यूज एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो दे फॉर्म द ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक हार्ट एंड मैनी मोर। जब काफी सारे ऑर्गन्स मिलते हैं, तो दे फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन ह्यूमन बॉडी देर आर नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सेट्रा। एंड द ऑर्गन सिस्टम ग्रुप टूगेदर टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। दिस इज हाउ द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टिश्यूज। दो टाइप्स की टिश्यूज होती हैं, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज जो हैं वो स्टैटिक होती हैं, एज वी ऑल नो। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट टिश्यूज जो है वो ऑटोट्रॉप्स होती हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स वो अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। एंड एनिमल टिश्यूज आर हिटरोट्रॉप्स। इट मीन्स दे डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स टू फॉर्म देयर फूड। सो प्लांट टिश्यूज के अंदर जो है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मूवमेंट बिकॉज दे आर स्टैटिक। दे जस्ट नीड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। उन्हें सिर्फ जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत होती है टू स्टैंड स्टिल। एनिमल टिश्यूज के अंदर जो है मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज दे हैव टू मेक देयर फूड। प्लांट टिश्यूज के अंदर जो है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लोकोमोशन। एनिमल टिश्यूज के अंदर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ लोकोमोशन। प्लांट टिश्यूज के अंदर जो है ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है। द ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। ऐसा नहीं है कि सारे टिश्यूज में ग्रोथ होगी। इट ओनली हैपन इन द सर्टेन रीजन्स। एनिमल टिश्यूज के अंदर ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म होती है। इट इज यूनिफॉर्म। ऑल राइट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज जो है वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है डिवाइडिंग, एक होती है नॉन डिवाइडिंग। एंड द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द डिवाइडिंग प्लांट टिश्यूज इज द मेरिस्टमेटिक टिश्यू। एंड द टेक्निकल टर्म फॉर द नॉन डिवाइडिंग प्लांट टिश्यूज इज द परमानेंट टिश्यूज। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो है दे द मेरिस्टमेटिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस। एंड द मेरिस्टोस मीन्स डिवाइडिंग। इट मीन्स डिवाइडिंग मीन्स मेरिस्टमेटिक टिश्यूज के अंदर सेल्स जो है वो डिवाइडिंग होती है। एंड इनका फंक्शन होता है टू डिवाइड एंड टू हेल्प प्लांट टू ग्रो। इट मीन्स दे हेल्प इन प्लांट ग्रोथ। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जो है वो सारे रीजन्स में प्रेजेंट नहीं होता है। जहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स के डिवाइडिंग की रिक्वायरमेंट है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू सिर्फ उन्हीं रीजन्स में प्रेजेंट होता है जहाँ पे प्लांट्स को ग्रोथ की जरूरत है। ऑल राइट, नाउ वी डिस्कस वेयर द मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। और वी कैन से द मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है ये लोकेटेड होते हैं स्टेम एंड रूट्स की ग्रोइंग टिप्स के ऊपर। एंड इनका फंक्शन होता है डिवाइड करना प्लस प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करना। दिस इज द
बेसिक फंक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एंड द सेकेंड वन इज द लेटरल मेरिस्टम। लेटरल का मतलब होता है साइड बाय साइड, इट मींस जो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू है इट इज प्रेजेंट इन द गिर्थ ऑफ द प्लांट, प्लांट की गिर्थ में प्रेजेंट होता है। एंड इसका फंक्शन होता है डिवाइड करना एंड प्लांट की गिर्थ को इंक्रीज करना। सो वी कैन कंक्लूड कि एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट एंड लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू हेल्प इन इंक्रीजिंग द गिर्थ ऑफ द प्लांट। ऑलराइट, एंड द थर्ड वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये लीव्स के बेसिस बेस पे प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ और वी कैन सी एट द इंटरनोड्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम का फंक्शन होता है ग्रोथ को फैसिलिटेट करना। ऑलराइट, जैसे कि हमें पता है मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइडिंग टिश्यूज हैं, इनके अंदर सेल्स जो है वो बहुत ही एक्टिव होते हैं बिकॉज दे हैव टू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, सो सेल्स आर वेरी एक्टिव। सो इनके टिश्यूज जो है वो दे आर फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म बिकॉज सेल्स हैव टू डिवाइड कॉन्टिन्यूसली एंड सेल्स आर वेरी एक्टिव, तो सेल्स को बहुत सारी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी टू रिक्वायर टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज। ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? परमानेंट टिश्यूज आर नॉन डिवाइडिंग, दे आर परमानेंट, दे आर नॉट डिवाइडिंग, दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर लेकिन दे लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग, वो लॉस्ट कर चुके हैं डिवाइडिंग कैपेबिलिटी को। सो जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं दे ग्रो एंड डिवाइड आफ्टर मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के बाद जो है दे बिकम द परमानेंट टिश्यूज, मीन्स मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है फाइनली जो है मेच्योरिंग स्टेज को रीच कर चुके हैं एंड दे नो मोर फर्दर डिवाइड एंड दे डू नॉट फर्दर डिवाइड, सो दे बिकम द परमानेंट टिश्यूज। ऑलराइट, नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज दो टाइप्स की होती हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज टर्म से ही पता चल रहा है इनका स्ट्रक्चर जो है वो काफी सिंपल होगा, दे हैव द सिंपल स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारे सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के होंगे। ऑलराइट, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होगा और काफी सारे टाइप के सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंदर। सिंपल टिश्यूज फर्दर आर ऑफ थ्री टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा दे एक्ट एज अ फिलर एंड कोलेन्काइमा प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड स्क्लेरेन्काइमा दे प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्लांट। And complex tissues of further two types, xylem and phloem. Xylem का function होता है plant के अंदर water and minerals का transport करना। Xylem जो है root से लेके बाकी सारे plant के parts तक water and minerals को transport करते हैं। Phloem जो है ये एक ऐसा complex tissue है जिसका function होता है plants के अंदर food का transport करना। They transport the food throughout the plant body. All right, I hope you understood all about the tissues. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.